यूपीएस की 12 वोल्ट बैटरी है जो ये डेड हो चुका है, हम इसको रिपेयर करके आपको दिखाएंगे ये कैसे रिपेयर होता है। ये ड्राई सेल होता है, रिपेयर नहीं होता है, फिर भी हम आपको रिपेयर करके इसको दिखाएंगे। और ये जो बैटरी वाला पानी है, ये बैटरी वाला पानी हम इसमें डाल के आपको चार्ज करके ठीक करके दिखाएंगे। पहले आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर जो ढक्कन है, ये ढक्कन को आपको पहले निकाल लेना है। निकाल लेने से पहले आपको जो बैटरी के चार्ज है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें देखिए 1.24 वोल्टेज है, यहाँ पर 1.24 वोल्टेज है और इसमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं है। मैं इसको बहुत बार चार्ज कर चुका हूँ, चार्ज नहीं हो रहा है। अब हम इसको रिपेयर करके देखेंगे। पहले ये ढक्कन को हम खोल लेंगे, ये सारे इसके मदद से ये ढक्कन को हम खोल लेंगे। इस तरह से खोल लेना है, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ये ढक्कन खुल जाता है। खुलने के बाद इस तरह से रबर दिख रहा है, ये रबर को आपको निकाल लेना है। इस तरह से देखिए ये निकल जाता है बहुत आसान तरीके से, रबर सब निकल गया। देखिए ये बिल्कुल ही ड्राई सेल है, देखिए इसमें कुछ भी पानी नहीं आ रहा है, ये ड्राई सेल है। और इसमें हम ये जो बैटरी वाला पानी है, हम ये बैटरी वाला पानी को इसमें डालेंगे। और ये ड्रॉपर के मदद से ये बैटरी पानी को हम इसमें डालेंगे। बहुत ही सरल आसान तरीका है, हमें इसके अंदर में हम दे देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको ये बैटरी पानी को ये ड्रॉपर के मदद से फुल कर लेंगे। फुल करने के बाद हम इसको चार्ज में 4-5 घंटे चार्ज में लगाएंगे। अब देखिए ये बैटरी का पानी अब ये फुल हो चुका है। अभी हम इसको जो 2 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर होता है हम इसमें चार्ज पे बिठाएंगे, 1 घंटा चार्ज में बिठाएंगे, जो नेगेटिव नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे। जोड़ के हम इसको 5 घंटे चार्ज में बिठाएंगे, फिर देखेंगे इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। तभी मिलते हैं 5 घंटे के बाद। अभी देखिए ये 4-5 घंटे चार्ज होने के बाद कितना वोल्टेज हुआ है, अभी हम चेकिंग करेंगे। पहले ये चार्जर को हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद देखते हैं कितना चार्ज हो रहा है हुआ है। ये देखिए देखिए 9.51 यानी कि बहुत 5-6 घंटे चार्ज करने के बाद 9.5 यानी कि 9.5 वोल्ट तक ये चार्ज हो पाया, उससे 12 वोल्ट तक चार्ज नहीं हो पाया और इसमें कुल मिला के 9 वोल्ट ही निकल आया। और ये 9 वोल्ट जो भी हो बिल्कुल डेड बैटरी था, डेड बैटरी के बावजूद हमने इसमें 9 वोल्ट हमको मिले। जैसे हम उसको दिखाते हैं, देखिए 9 वोल्ट हमको मिला, तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम 9 वोल्ट आया बिल्कुल डेड बैटरी से, ये बहुत अच्छी बात है। और हम उसको ये रबर लगा लेंगे, दूसरा वाला रबर को हम फिर से कनेक्ट कर लेंगे। और जिस तरह से ढक्कन खोले थे ये ढक्कन को भी हम लगा लेंगे। देखिए ये बढ़िया तरीके से चार्ज हो गया। और यूपीएस बैटरी फिर से तो हम यूपीएस में यूज़ नहीं कर सकते, इसमें लाइट वगैरह हम जला सकते हैं। मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ।